रूट एक ट्रेन ट्रैवल गेम है। आपको इस गेम में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रैवल करना होता है, स्टेशंस को कैप्चर करिए। जिस प्लेयर के पास हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं वो इस गेम का विनर होता है। आप सबसे पहले इन तीन गड्डियों को खोलिए, उनको अच्छे से शफल करिए और गड्डी बना के उसको बोर्ड पे रखिए। हर प्लेयर को एक स्कोरिंग मीटर, तीन रेड स्लाइडर, एक कलर टोकन और जिस कलर का टोकन होता है उसी कलर के 10 राउंड टोकन भी दिए जाते हैं। हर प्लेयर को 7-7 कार्ड बांटे जाते हैं। जो प्लेयर कार्ड्स को बांटता है उसको 8 कार्ड मिलते हैं। बाकी बचे हुए कार्ड्स को आप डेक के ऊपर रख दें। हर प्लेयर को एक एक मिशन कार्ड भी दिया जाता है। प्लेयर्स वो मिशन कार्ड अपने बाकी कार्ड्स के साथ मिला लें। मिशन कार्ड्स के बारे में हम बाद में बात करें। हर प्लेयर अपने लेफ्ट या राइट प्लेयर वाले के टोकन को लेगा, उसको किसी भी स्टेशन पर रखेगा और वही स्टेशन सामने वाले प्लेयर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। जिस प्लेयर के पास 8 कार्ड्स होते हैं उसे एटलीस्ट एक कार्ड बोर्ड पर फेंकना होता है। अब टर्न नेक्स्ट प्लेयर की आ जाती है। वो या तो इस फेंके हुए सबसे ऊपर वाले कार्ड को उठाए या फिर गड्डी में सबसे ऊपर वाला कार्ड। कार्ड उठाना कंपलसरी है और सिर्फ एक ही कार्ड उठाया जाएगा, एक्सेप्ट ड्रॉ 2 के केस में, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कार्ड उठाने के बाद अगर किसी प्लेयर के पास 7 कार्ड से ज़्यादा होते हैं तो उन्हें वो एक्स्ट्रा कार्ड फेंकने होते हैं, और अगर उनके पास 7 या उससे कम कार्ड्स हैं तो उन्हें नहीं फेंकना होता है। कार्ड फेंकना कंपलसरी नहीं है। आप अपनी चांस में जितने चाहे कार्ड फेंक सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप चाहें तो एक ही राउंड में आप सारे कार्ड्स फेंक दें। कार्ड्स फेंकने और पिक करने का प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यूस रहेगा। इस गेम में 5 तरह की ट्रेनों को दिखाया गया है, पैसेंजर, मेल, सुपरफास्ट, राजधानी, बुलेट। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रैवल करने के लिए प्लेयर को एक ट्रेन के 3 कार्ड्स का सेट बोर्ड पर फेंकना होता है। जैसे इस वक्त मेरे पास सुपरफास्ट के 3 कार्ड्स हैं, मैंने इसका सेट लिया, बोर्ड पर फेंका और अब मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। अब मेरे पास कोई और सेट नहीं बन रहा, इसलिए मेरी टर्न ओवर जाती है और टर्न नेक्स्ट प्लेयर के पास चली जाती है। नेक्स्ट प्लेयर को एक बात का ध्यान रखना है कि वो कभी भी 3 कार्ड्स के सेट या फिर स्पेशल कार्ड को नहीं उठा सकता है, उसे गड्डी से ही उठाना होगा। जब आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रैवल करते हैं तो आप उस स्टेशन को कैप्चर कर सकते हैं अपने कलर्ड राउंड टोकन से। अगर किसी वजह से आप किसी ऐसे स्टेशन पर ट्रैवल करते हैं जो ऑलरेडी कैप्चर्ड है, तब आप अपनी कलर्ड राउंड टोकन को उस पे नहीं रख सकते हैं। आप सिर्फ वहाँ पे खड़े हो सकते हैं और आपको उसके ट्रैवल पॉइंट्स ज़रूर मिलते हैं। एक बात का यहाँ पे ज़रूरी ध्यान देना है कि अगर इन केस आपके पास कलर्ड राउंड टोकन फिनिश हो जाए तो आप पेपर कट का इस्तेमाल करके उसको और टोकन्स को बना सकते हैं। प्लेयर्स उस स्टेशन को कभी कैप्चर नहीं कर सकते जिस स्टेशन से उन्होंने गेम को स्टार्ट किया है। अगर उन्हें उस स्टेशन को कैप्चर करना है तो उन्हें उस स्टेशन पर दोबारा गिरना होगा। गेम की शुरुआत में हर प्लेयर को एक मिशन कार्ड मिलता है। मिशन कार्ड में स्टेशंस के नाम लिखे होते हैं जो प्लेयर को कैप्चर करने होते हैं। हर स्टेशन को कैप्चर करने के लिए प्लेयर को अलग से 25 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। मिशन कार्ड्स को कभी भी किसी के साथ एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है और ना ही इसको बोर्ड पर थ्रो किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रैवल पॉइंट्स के बारे में। मैंने एग्जाम्पल के लिए 3 मेल एक्सप्रेस बोर्ड पर फेंकी और अब मैं अलाहाबाद से पटना ट्रैवल करता हूँ। सबसे पहले मैं पटना पे अपना कलर्ड राउंड टोकन रख के उसे कैप्चर करूँगा। अब यहाँ बात करते हैं स्कोरिंग पॉइंट्स के बारे में। मैंने मेल एक्सप्रेस से ट्रैवल किया अलाहाबाद से पटना रेड लाइन पे, तो मेरा स्कोर हुआ रेड लाइन मेल एक्सप्रेस 10 पॉइंट्स। अब मैं इस स्कोरिंग मीटर में उस 10 पॉइंट्स को एडजस्ट करूँगा। मैंने पहले टेंस में 1 को नीचे किया और ये मेरा 10 पॉइंट्स हो गया। अब बात करते हैं कैप्चर पॉइंट्स के बारे में। जब ये गड्डी फिनिश हो जाती है तो गेम ओवर हो जाता है। प्लेयर अपना टोकन हटाएंगे और अपने कलर्ड राउंड टोकन्स को भी हटाते हैं और उनके नीचे लिखे गए पॉइंट्स को ऐड करेंगे, जैसे 10 प्लस 30 40 50 60। अब ये मैं 60 पॉइंट्स अपने स्कोरिंग मीटर में ऐड करता हूँ और मेरा टोटल स्कोर 70 हो जाता है। अब बात करते हैं मिशन पॉइंट्स के बारे में। मिशन कार्ड में इन स्टेशन में से मैंने एक स्टेशन कैप्चर किया है जिसका नाम है तिरुपति। अब मुझे इस पर्टिकुलर स्टेशन के लिए 25 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे और मेरा टोटल स्कोर हो जाता है 95 पॉइंट्स। इसमें एक बात ज़रूरी ध्यान रखने वाली है कि कैप्चर्ड पॉइंट्स और मिशन पॉइंट्स को हमेशा गेम के आखिरी में ऐड करना होता है। अगर किसी प्लेयर का स्कोरिंग मीटर 999 से ज़्यादा हो जाता है तो उसके स्कोरिंग मीटर को सबसे पहले 0 पे ले आते हैं और जो भी उसका फाइनल स्कोर होता है उसमें 1000 ऐड कर देते हैं। अब बात करते हैं स्पेशल कार्ड्स के बारे में। -25, -50 एंड +50। अगर कोई प्लेयर -25 कार्ड को फेंकता है तो वो किसी भी प्लेयर के स्कोर को -25 कर सकता है, लेकिन अगर किसी प्लेयर का स्कोर ऑलरेडी 20 पॉइंट्स है तो ये कार्ड वेस्ट हो जाता है क्योंकि किसी का स्कोर माइनस में नहीं हो सकता है। सेम अप्लाई करता है -50 के लिए।
प्लस 50 के केस में अगर किसी प्लेयर ने इस कार्ड को फेंका तो उसका स्कोर अपने आप ऑटोमेटिकली प्लस 50 से ऐड हो जाता है। ये एक वेस्ट कार्ड है, इसका कोई यूज नहीं होता है, ना आप इसे किसी तरीके का सेट बना सकते हैं, ना इसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। आपके पास जब भी ये कार्ड आए आप इसे फेंक दें। इसको ड्रॉ टू कार्ड बोलते हैं। अगर कोई प्लेयर इस कार्ड को फेंकता है तो वो गड्डी से दो कार्ड को उठा के अपने कार्ड में ऐड कर सकता है। इस कार्ड को मिस अ टर्न कार्ड बोलते हैं। अगर कोई प्लेयर इस कार्ड को फेंकता है तो नेक्स्ट प्लेयर की टर्न ऑटोमेटिकली मिस हो जाती है। इस कार्ड को मैजिक ट्रेन कार्ड बोला जाता है। अगर इसको किसी दो कार्ड्स के साथ जोड़ दें तो इस कार्ड को कोई भी ट्रेन अज्यूम कर सकती है। जैसे इस केस में मैंने इसको मेल एक्सप्रेस अज्यूम किया है, तो अब मेरा एक पेयर बन गया और अब मैं इसको बोर्ड पे थ्रो करके एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रैवल कर सकता हूँ। इस कार्ड को एक्सचेंज कार्ड बोला जाता है। अगर कोई प्लेयर इस कार्ड को फेंकता है तो वो सामने वाले किसी भी प्लेयर से दो कार्ड बिना देखे लेके अपने पास रख लेता है, फिर अपने पकड़े हुए कार्ड में से कोई दो कार्ड उसको रिटर्न कर देता है। इसमें कंडीशन ये है कि जो कार्ड वो लेता है वो सेम उसे वही रिटर्न नहीं कर सकता है, उसको अपने पकड़े हुए कार्ड में से ही दो कार्ड देने होते हैं। वो अलग बात है कि वो सेम ही हो। इस कार्ड को स्नैच कार्ड बोला जाता है। अगर कोई प्लेयर इस कार्ड को फेंकता है तो वो किसी दूसरे प्लेयर के कलर टोकन को हटाता है और वहाँ पे अपना कलर टोकन रख देता है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि जब गेम फिनिश होता है तो मुझे उस स्टेशन के भी पॉइंट्स अलग से मिल जाते हैं। इस कार्ड को स्किप स्टेशन कार्ड बोलते हैं। इस कार्ड की खासियत ये है कि अगर इसको किसी तीन कार्ड के सेट के साथ फेंका जाए तो एक ही बार में दो स्टेशन्स को ट्रैवल किया जा सकता है। जैसे मैं आगरा से गया लखनऊ, फिर मैंने लखनऊ को स्किप करके मैं पटना चला गया और मैंने सबसे पहले पटना को कैप्चर कर लिया। इस कार्ड की खासियत ये है कि मुझे अब इसमें दो ट्रैक्स के पॉइंट्स का फ़ायदा मिलता है, एक आगरा से लखनऊ और दूसरा लखनऊ से पटना। आगरा से लखनऊ ब्लू लाइन है तो इसका पॉइंट हो गया सुपर फास्ट से 10, और लखनऊ से पटना जो कि ऑरेंज लाइन है उसका स्कोर हो गया 20, तो मेरा फाइनल स्कोर हो गया 10 प्लस 20 30 पॉइंट्स। अगर ये स्किप स्टेशन कार्ड को ऐसे ही फेंक दिया जाए तो इसका कोई यूज़ नहीं है। और ये और स्किप स्टेशन 2 ये दो ही इकलौते ऐसे स्पेशल कार्ड हैं जिनको सामने वाले प्लेयर उठा सकते हैं, अदरवाइज किसी और स्पेशल कार्ड को नहीं उठाया जा सकता है। इस कार्ड को स्किप स्टेशन 2 कार्ड कहते हैं। इसको स्किप स्टेशन के तरीके से ही यूज़ किया जा सकता है। अगर मैं इसे किसी तीन सेट के साथ फेंकूँ तो मैं इसमें जैसे आगरा से गया मैं लखनऊ, लखनऊ स्किप करके मैं गया पटना, पटना को स्किप करके मैं गया सिलीगुड़ी, तो मैंने एक ही बार में दो स्टेशन को स्किप कर लिया। इस गेम का एंड तब होता है जब इस गड्डी के सारे कार्ड फिनिश हो जाएं और वो सारे कार्ड बीच में आ जाएं, फिर जिस प्लेयर के पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होता है वो इस गेम को जीत